हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड जूलॉजी चैनल आदर्श आलिया हम देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीरीज जिसमें आज हम पार्ट फाइव देखेंगे इसके पहले हम सीरीज चार देख चुके हैं बट चौथे वीडियो से हमने जो शुरू किया है वो है बेसिक टर्मिनोलॉ टर्मिनोलॉजीज और द बेसिक टर्म्स यूज इन द रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका आज ये सेकेंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं जैसा मैंने पहले आपको बताया एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ पूरा uh, compact, uh, जितने भी टर्म्स uh, है यूज इन द रिसर्च मेथडोलॉजी बट वो अबाउट वन आवर का हो गया तो अगर आप कहेंगी तो कहेंगे तो हम मैं इन द लास्ट वो भी एक uh, वीडियो अपलोड कर दूंगी बट अभी मुझे लगा की ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है कि थोड़े 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 टॉपिक्स पर को लेके चले हम ताकि आप अच्छे से समझ सकें तो पहले पार्ट में हमने देखा अप टू लिमिट्स और आज के पार्ट में हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम रिसर्च कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से लेकर के रिसर्च मेथड्स तक एंड देन इन द लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज चैप्टर हम देखेंगे बाकी के सारे पार्ट्स इसमें एक चीज ये बेसिक तो रिसर्च टर्मिनोलॉजीज़ का ये जो प्रेजेंटेशन है इस प्रेजेंटेशन में हम जो पार्ट्स देख रहे हैं यही चीजें यहाँ पेक्ट अब, डाटा पॉपुलेशन कंसेप्ट ये सारी चीजें हम देख रहे हैं एक टर्म तो यहाँ पे आ रहा है स्टडी सेटिंग्स इस स्टडी सेटिंग का मतलब है ये एक तरह से आप ऑपरेशनल डेफिनेशन का भी सेकंड पार्ट मान सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन में का भी एक पार्ट मान सकते हैं इसके अंतर्गत जो ऑपरेशनल जब हम स्टडी करने के पहले ऑपरेशनल तो हो गया प्रैक्टिकल ऑपरेशन एंड स्टडी के लिए जो या जो दिमाग में बातें पॉइंट्स आते हैं जो हम पहले से स्टडी के लिए सोच के रखते हैं प्लान करके रखते हैं वो यहाँ पे स्टार्स में दिखाए हुए हैं बीज कम अंडर दीज स्टार

जब आप लिटरेचर रिव्यू बना रहे थे हम जब लिटरेचर रिव्यू दैट इज पास्ट के बारे में जान रहे थे तब उसके पहले ही माइंड में एक सेटिंग कर ली जाती है एक कंसेप्ट सोच लिया जाता है कि किस तरह से रिसर्च तो जब हम काम करेंगे तो किन किन टॉपिक्स पर काम करेंगे क्या क्या वेरिएबल्स होंगे जो इंटर रिलेटेड टर्म्स होंगे जिनको मेजर किया जा सकता है हमने कंसेप्ट देखा है कंसेप्ट वो है जो दिमाग में जिसको बिठाते हैं कि इन इन पॉइंट्स पर हमको डिस्कस करना है दोज आर द कंसेप्ट और उनको जो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क To systematic or step by step study, basically conceptualized through literature review to obtain ideas from different areas. डिफरेंट जो आप स्टडी करने जा रहे हैं हमारा जो स्टडी का एरिया है मान लीजिए लिम्नोलॉजी से एग्जाम्पल लेके मैंने देखा है तो लिम्नोलॉजी के बुक्स है लिम्नोलॉजिकल स्टडीज कैसे किए जाते हैं वो सारा पहले लिटरेचर रिव्यू से पढ़ेंगे फिर उसके बेसिस पे हम कंसेप्ट बनाएंगे अपने वर्क का सिस्टमेटिक प्रपोजल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम जो हम देखा है उसके डिफरेंट पॉइंट्स कंसेप्ट बनाएंगे और फिर उसको कैसे फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क में यू हैव सीन फोटो फ्रेम्स लगाते हैं एक लिमिट होती है एक बाउंड्री सेट की जाती है उस बाउंड्री के अंदर आप अपने कंसेप्ट को कंसेप्चुअलाइज uh, करेंगे दिमाग में बिठाएंगे कि क्या क्या आप आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं सोच रहे हैं जिन पे काम करना है सो दैट इज कॉल्डमेटिक स्टेप बाय स्टेप स्टडी बेस्ड ऑन सम और एनी थ्योरी एक्सप्लेन थियोरिटिकली अब ये भी हो सकता है कि आपने जो कंसेप्ट सोचे हैं वो कंसेप्ट आपके अपने कंसेप्ट हो या वर्क पर बेस्ड हो या प्रीवियसली एक्सप्लेन थ्यूरी पर भी बेस्ड हो जैसे पीडियोगी हो गया या और भी डिफरेंट थियोरिटिकल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियोरिटिकल एक्सप्लानिशंस हैं थियोरीज हैं उन थ्यूरीज पर लॉगरिज्म की थ्योरी हो गई या कुछ और भी थ्यूरीज हो, हो जाते हैं जो हम अभी देखेंगे डिटेल्स बहुत थ्योरीज हैं जिनको अपने हम जिनको अपनाते हैं अपने स्टडी ऑपरेशनल स्टडीज के दौरान तो उन थ्योरीज पर अगर वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस्ड है तो उसको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं एवरी कंसेप्ट कैन बी

इंटर रिलेटेड कंसेप्ट आप कह सकते हैं तो वैरिएबल्स हम अभी दे, आगे देखेंगे हम पहले कंसेप्ट देख लें क्योंकि जो कंसेप्ट और वेरिएबल्स में बहुत डीप रिलेशनशिप है आप कंसेप्ट हर कंसेप्ट वेरिएबल हो सकता है जिनपे आप जिनको आप मेजर कर सकते हैं कंसेप्ट कैनॉट बी मेजर्ड बट तो हर हो कंसेप्टरिएबल होता है Then observations are the mere assumptions, जिनको हम एक दिमाग में बिठाते हैं कि किस किस मान लीजिए कि ये एक फ्रेमवर्क हमने बनाया जिसमें अपने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दैट इंक्लूड्स थ्री स्टेप्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट पहले दिमाग में इनपुट बैठाए गए क्या क्या काम करना है कैसे कैसे करना है उसको ऑपरेशन में लाना है दैट इज जो आउटपुट मिला उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे तो कंसेप्ट हो गए एजम्स एंड इनका जो आउटपुट हुआ वो अ पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस हो सकता है सॉर्ट ऑफ हाइपोथिस हो सकता है या कंक्लूजनस हो सकते हैं सो so, अगर ये किसी थ्योरी पर बेस्ड है थ्योरी पर बेस्ड है तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया अगर ये assumptions पर बेस्ड है तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया सो कंसेप्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज द इंटर रिलेटेड are आर असेंबल्ड showing शोइंग study स्टडी इन specific relations। जो आप स्टडी कर रहे हैं उनमें जो डिफरेंट concepts हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप करते हुए आपका काम होगा और उस रिलेशनशिप की एक फ्रेमवर्क होगी उसकी बाउंड्री सेट की जाएंगी एंड दैट बाउंड्री सेट फ्रेमवर्क ऑफ योर वर्क इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये पूरा एक रिलेशनशिप uh, डिटेल्स uh, में दैट इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और थियरी बेस्ड है तो कंसेप्चुअल थियोरिटिकल फ्रेमवर्क हो गया सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देन कम्स द कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट इज अगेन बेस्ड ऑन थियोरिटिकल बेसिस बट इज मेजरेबल जैसा हम पहले ही देखे वेरिएबल मेजरेबल है बट वो वेरी करता है कंस्ट्रक्ट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कंसेप्ट कंसेप्ट इमेजिनेशन है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर चेंज करेगा और कंस्ट्रक्ट वो थियोरिटिकल थेरी uh, है थियोरिटिकल एक्सप्लानशन है Concept ही हैं आप कह सकते हैं जो मेजरेबल हैं जिनको आप इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर करके नाप करके क्वांटिटेटिव जिसको हम कह सकते हैं द कंस्ट्रक्ट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थियरीज़ ऑन बेसिस ऑफ विच टूल्स डिसाइडेड फॉर द फेनोमेना जो काम आप करने जा रहे हैं हियर शुड बी इट इज फॉर इट मे बी और फेनोमेना अगर आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है तो उसके से रिलेटेड कुछ और टर्म्स यू अगर कंसिडर करेंगे तो फेनोमेना हो जाएगा एक टू द पॉइंट पॉइंट पर uh, एक बेसिस एक फिनोमिन कंसिडर uh, करेंगे तो फिनोमिन होगा सो और कंस्ट्रक्ट वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ईंट है उस बिल्ड कंस्ट्रक्शन uh, के कंस्ट्रक्शन uh, को करने के लिए कोई एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है दोज आर कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्ट विच जस्टिफाई डिफाइन एंड रीडिफाइन द हाइपोथिस एंड ड्रॉ द कंक्लूजन इन्हीं कंस्ट्रक्ट के बेसिस पर डिफाइनिंग हाइपोथिस स्टैब्लिश किए जाते हैं और अगर वो एक्सेप्टेबल हैं तो वो फिर थियोरी में या प्रिंसिपल के रूप में या कंक्लूजन के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं अदरवाइज फिर से उनकी रीडिफाइनिंग re की जाती है सो दैट इज द रिसर्च कंस्ट्रक्ट देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द रिसर्च टर्मिनोलॉजी इज द वेरिएबल्स द वेरिएबल आर वेरिएबल इज वो फिनोमिना वो स्टेप्स जो शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिसर्च के जो डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप आप कंसेप्ट uh, बनाते हैं उन कंसेप्ट के बीच में जो मेजरेबल टर्म्स हैं जो वैरी करते हैं से एज ग्रुप अब एज ग्रुप हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे रिसर्च का काम नहीं होता है एक डिफिनेट बहुत लंबा भी बहुत बड़ा रेंज रख सकते हैं फिर धीरे धीरे उसको छोटा करते हैं तो वो उस तरह से एज ग्रुप हो गया वेट हो गया हाइट हो गया रिवर या साइंटिफिक स्टडी के मेजर के कंसर्न में भी रिलेशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स कंसेप्ट इमेजिन कर सकते हैं हम जिनको वेरिएबल्स कहेंगे जब उनको मेजर करेंगे मेजर्स वेरिएबल होंगे और इंटर रिलेटेड होंगे तो ये दो चीजें डाइवर्सिफिकेशन होंगे बट इंटर रिलेशनशिप होगा मेजरेबल होगा ये तीन फैक्ट्स जरूरी हैं फॉर वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड एंड विच इज वेरिएबल एक फिक्स नहीं है एक वेरिएबल ग्रुप है एक वेरिएबल मेजरमेंट है और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट है तो वो फेनोमेना वो आ, इंसिडेंट्स हो गए वैरिएबल्स रिसर्च वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट can change over time and one can study the relationship between them. the variables can include height, weight, gender, color, any quality or quantity of the individual or the phenomena. Agar scientific research, do the uh, research related uh, things, hai, organisms, hai, uh, place, part, suppose, ek, uh, example, you generally, the other smoking causes lung cancer. तो इसमें वेरिएबल्स में स्मोकिंग uh, आ गया लंग कैंसर आ गया कैसे कॉज करता है उसको कहाँ पे ऑब्ज uh, कौन सा स्टेशन होगा जहां आप काम करें करते करेंगे बड़ा स्टेशन मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं तो कितने हॉस्पिटल्स हैं तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो समय के साथ चेंज भी होते हैं दीज आर दैरिएबल्स मोर ओवर रिसर्च वेरिएबल्स कंप्राइज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स नाउ वेरिएबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये बहुत तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं वेरिएबल्स uh, जिनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बट इसके अलावा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं ऑपरेशनल वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स पर हम अलग से एक वीडियो देखेंगे बाद में

It is again variable measures but it is interrelated with the concepts and it is the outcome of the independent variables It says details details independent independent variables ko alag se hoga. the research variables may include more types like demographic uh, variables, extraneous variables, operational variables Etc.

प्रोस्पेस डिफरेंट स्टेप्स को रिसर्च के जो ज्वाइन करता है वो हो गया रिसर्च प्रोपोजिशन दैट स्टैबलिशेज रिलेशनशिप बिटवीन दियोरेटिकल एज इंटेलिजेंस ए फीवमेंट एंड अर्निंग पोटेंशियल दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इनोमोलॉजिकल नेटवर्क जो कंसेपचुअल फ्रेमवर्क आपने बनाया है उसके जितने स्टेप्स हैं सब ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उनके जो रिलेशन को रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं बताते हैं बाय द टर्म प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन वो टर्म है जो डिफरेंट स्टेप्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है अ प्रोपोजिशन इज अ टेंटेटिव एंड कंजेक्चुरल रिलेशनशिप बिटवीन कंस्ट्रक्ट जो कंस्ट्रक्ट हमने देखा था बिल्डिंग ब्लॉक्स उनके बीच में जो, जो जोड़ने का काम करता है वो है प्रोपोजिशंस रिसर्च प्रोपोजिशंस इट इज स्टेटेड इन अ डिक्लेरेटिव फॉर्म ये डिस्क्रिप्टिव डिक्लेरेबल फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है for an example the example is an increase in student intelligence causes increase in their academic achievement so intelligence is directly related to uh, academic achievement and these do the relationship between the students intelligence and its uh, uh, academic achievement is a proposition that this does not have to be true assumption

शक्ति है जो यूनिवर्स को चलाती है ये एक एजम्पन है ये लॉजिकली सही हो सकता है बट प्रूव नहीं है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव ऑन द फिजिकल बेसिस हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रूव्ड बाई द डाटा कलेक्शन डाटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक एक्सप्लानशन सो दिस इज इन जनरल हम कह सकते हैं इट इज एजम्पन बेसिक प्रिंसिपल सपोज टू बी ट्रू माना जा सकता है कि सही है

इमेजिन कर सकते हैं दैट क्लैरिफाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंड डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर रिसर्च इंक्लूडिंग सर्वेज क्वेश्चनर्स इंटरव्यूज एंड साइट विजिट इसकी सहायता से आप प्राइमरी एक्सम्स ऑप्टेन करते हैं और इन प्राइमरी एजम्पन्स के थ्रू सेकेंडरी कोर्सेज आर ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड पब्लिस्ड बाई ऑलरेडी पब्लिश है जो ऑलरेडी आपको लिटरेचर रिव्यू में पास्ट में मिला है वो सेकेंडरी एजम्पन्स हो गया जो आप अपने इन स्टडीज के थ्रू लिटरेचर रिव्यू के थ्रू इमेजिन करते हैं वो हो गए प्राइमरी एजम्पन्स और इन्ही प्राइमरी एजम्पन्स को जब

रिलेशनशिप को जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंटवीन टू और मेथोडोलॉजी में वेरिएबल टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट हर टर्म रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी टर्म इज रिलेटेड टू वेरिएबल्स तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करके उसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया जा सके एजुकेट किया जा सके कैलकुलेट किया जाए बाय द द रिसर्चर देन इट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ प्रपोजिशन स्टेटेड एज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज कॉल्ड हाइपोथेसिस तो ऊपर के टर्म्स को मिला करके जैसा मैंने हमने देखा है रिसर्च के जितने स्टेप्स हैं सिस्टमेटिकली प्लांट स्टेप बाय स्टेप रिलेटेड uh, uh, है इन सब के बीच में प्रपोजिशन से जोड़ करके इनके बीच के रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को जब स्टैब्लिश करते हैं इन इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इज स्टिल नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड थियरी अभी भी इसमें चेंजेस की गुंजाइश है द गोल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू इन वेदर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोजिशन इज वैलिड जो इंटर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में वो सही है कि नहीं है ये स्टडी किया जाता है ये स्टैब्लिश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस बट इट इज़ येट एन टू बी टेस्टेड इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके इसमें को करके, एक प्रिंसिपल या थियोरी के रूप में कंक्लूड करके एक्सेप्ट किया जा सके तब वो थ्योरी कही जाएगी अभी तक ये एजम्पन्स ही हैं Then are the research operational definition. It is a very vast term. Which I have line in कंट्रोल करने की कोशिश की है ऑपरेशनल डिफिनेशन इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स ऑपरेशन के लिए जो भी आप मेथड्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिसर्च प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑपरेशनल सिस्टम इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन रेफर्स टू द वे इन विच रिसर्चर डिफाइंस द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन यही एक तो है वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट करके ऑपरेशनल वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली प्रूव करना प्रैक्टिकली स्टैब्लिश करना काम करना ही ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड दीज ऑपरेशनल डेफिनेशन आर स्टेटेड बाई रिसर्चर स्पेसिफाइंग हाउ द स्टडी वेरिएबल्स विल बी मेजर्ड इन एक्चुअल रिसर्च सिचुएशन काम एक्चुअली कैसे होगा दैट इज द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जो मेथोड जिन मेथड से जिन एक्सपेरिमेंट से जिन प्रैक्टिकल हम साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे डाटाज uh, uh, आएंगे बहुत सारे सर्वेज uh, आएंगे बहुत सारी मेथड्स uh, आएंगे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के प्रिंसिपल्स होंगे उन सबको एक्सप्लेन करना अपने थीसिस में दिस इज द ऑपरेशनल डिफिनीशन एंड लीस्ट ऑफ दिस वीडियो इज द रिसर्च मेथड जो मेथड्स को अपना करके हम ऑपरेशन उप, को करेंगे वो मेथड्स को हो गया रिसर्च मेथड्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन उनकी इम्प्लीकेशन कैसे हो रही हैं वो हो गया ऑपरेशनल डेफिनेशन सो देर आर इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड रिसर्च मेथड रिसर्च मेथड्स आर द प्रोसिड्यूर्स

कि रिस स्मोकिंग uh, से लंग uh, कैंसर होता है उसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने होंगे डाटा एनालिसिस करनी होगी फिर उसको स्टैब्लिश करने के लिए लंग कैंसर के क्या मेजर्स हैं उनको स्टैब्लिश स्टडी करना होगा तो ऑल दीज आर रिसर्च मेथड्स इफ यू परफॉर्म क्वान्टिटेटिव रिसर्च यू कैन कंडक्ट अ क्लिनिकल ट्रायल और सर्वे ये सर्वे बेस्ड हो सकता है ये क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है ये इंटरव्यूज बेस्ड हो सकता है ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है डाटा हो सकती है, so research methods and operational definitions are very closely related terms. If you want to observe people's behavior or interview a sample, you conduct qualitative research. तो so this, the research methods are quantitative as well as qualitative. So with this today's uh, video I complete and then some more. Uh, uh terminologies are yet to be seen that is research limitations delimitations manipulations validity accuracy accuracy reliability pilot study both important then bias and ethics that we will see in the third part so do like share and subscribe the channel i hope you must have understood all the terms uh see the description box use earphones and press the bell icon to get notifications of upcoming video thank you